दोस्तों 2019 में लाई गई वंदे भारत ट्रेन को एक बार फिर से लॉन्च किया जा रहा है भारतीय रेलवे में। वो किस जगह पर है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको भारतीय रेलवे की कोई और भी अपडेट चाहिए तो कमेंट में जरूर अपनी राय लिख देना। एंड चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं कि भारतीय रेलवे में वंदे भारत एक बार फिर से कहां पर लाई जा रही है। तो रांची से पटना के बीच जल्द ही एक नई वंदे भारत शुरू होने की संभावना है। नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत पटना से रांची मार्ग पर यात्रियों को यात्रा का समय लगभग 2 घंटे की कमी आने की उम्मीद है। और इससे पहले ट्रेन के 25 अप्रैल को लॉन्च होने की उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि हालिया रिपोर्टर के अनुसार कुछ तकनीकी चुनौतियों के कारण उसको टाल दिया गया है। जल्द ही नई वंदे भारत का उद्घाटन फिर से एक बार होने वाला है। और वहीं एक बार रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच का आगमन घटाकर केवल 6 घंटे का रह जाएगा। इस रूट पर ट्रेन की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। और वहीं ये वंदे भारत कहां पर रुकेगी, कौन कौन से रूट पर रुकेगी, तो हजारीबाग टाउन, आटी सिलवाई और बारकाकाना और कोड़ारमा और गया और जहानाबाद में रुकेगी। और इस वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की अभी कोई भी तारीख या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो घोषित नहीं करी गई। जैसे ही आएगी आप लोगों को बता देंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए भारतीय रेलवे के लाइक एंड सब्सक्राइब करा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।